इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि हम एक कस्टम एनिमेशन हल्की सी बनाते हैं फिर उसके अंदर ट्रांजिशन कर्व्स लगाते हैं ताकि वो हमें नेचुरल लगे फिर उसके बाद जो है हम उसको सेव करते हैं और इस तरह सेव करते हैं कि वो वाली ये मोशन हमारी इधर इसका हिस्सा भी बन जाए कस्टम का और वो एक्शन मेनू में भी चला जाए और हम उसको हम बाद में बाकी करेक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकें सो लेट्स हैव अ लुक कि ये मैं यहाँ पर आता हूँ तो इस करेक्टर को सेलेक्ट करके मैं इसकी कैद बताऊँ तो ये की एडिटर मेरे पास इसका मोशन की एडिटर खुल जाता है तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि ये बाजू जो है थोड़ी सी इस तरह उठाए जिस तरह कोई बात करता है या खिताब करता है फिर आगे जो है आके इस बाजू को भी इस बाज़ू की भी थोड़ा सा इसके साथ करें राइट किस कि जिस तरह आप बातें कर रहे हैं इसको हाथ को भी थोड़ा सा जो है वो उसके मुताबिक कर देते हैं राइट तो ये मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो कस्टम एनीमेशन लगाई है ये हाथों की जो है बड़ी तेज़ी से हो रही है तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके जो है आगे ले आता हूँ इन दोनों आगे आ गए, राइट लर्स ये यहाँ पे ठीक है जिस तरह कोई बात कर रहा हो समझा रहा हो किसी को इस पॉइंट पे आने के बाद मैं एल्बो को इसकी थोड़ा सा बेक पे ले जाता हूँ और फिर करता हूँ रोटेट सी कि अभी क्या हुआ है ये जिस तरह कोई बात कर रहा हो बंदा एक आवाज़ उठाए और फिर दूसरा उठाए बताए कि ये क्या है एक्सप्लेन कर रहा है और फिर नारा जिस तरह लगाता है बंदा मैं आगे जाके यहाँ पे कहता हूँ ये पूरे बाजू को ऊपर लेके जाए तो ये कुछ जो है हमने एनिमेशन लगाई है इसके ऊपर कस्टम राइट जो कुछ के किसी को समझा रहा है कुछ चीज़ या वरावर तो हम चाहते हैं कि इस मोशन को हम सेव कर सकें इसके एक्शन मेनू में एक्शन मेनू क्या है ये क्रैक्टर अगर मैं कि एडिटर से बाहर निकलूँ यहाँ से तो ये देखें यहाँ पे एक्शन मेनू है तो ये एक्शन मेनू एडिटर है तो यहाँ पे अगर से आपने कुछ करेक्टर के साथ बने बनाए एक्शंस यहाँ पे सेव कर लिए हैं तो जब भी वो करेक्टर आप स्क्रीन के ऊपर ला, लाएंगे तो यहाँ पे उसके नेम्स वगैरह लिख देंगे और आप उन उनके बने बनाए एक्शंस के हाथ उठाए लोगों को रोके लड़ से आप ट्रैफिक पुलिस वाला बना रहे हैं तो उसको बजाय आप गैलरी में जाके मोशंस को ढूंढें और फिर अप्लाई करें तो आप इस करेक्टर के साथ ही मोशंस जो हैं वो सेव कर सकते हैं उसको एक्शन मोशंस कहा जाता है तो एक्शन मेनू में वो आती हैं हम इसको एक्शन मेनू के तौर पे सेव करते हैं लेट्स से मैं जो है पहले ये आ, ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग की एनीमेशन है ये बिल्कुल ज़ीरो पर है और ये एंड की एनिमेशन है तो ये देखें यहाँ पर मेरी एनीमेशन ख़त्म हो रही है तकरीबन फिफ्टी फ्रेम के ऊपर ख़त्म हो रही मैं फिफ्टी तक सेव करता हूँ मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पर राइट फिफ्टी टू के करीब मैं लेके आता हूँ देखें ये मैं उसको छेड़ रहा हूँ तो ये यहाँ पे भी छेड़ रहा है ठीक है इसको मैं इधर से पकड़ के भी कर सकता हूँ तो मैं इसको ले आता हूँ फिफ्टी एग्जैक्ट फिफ्टी टू के ऊपर तो ये मेरी मोशन अभी जो है सारी इसी फ्रेम के अंदर है अभी हमने पहला काम क्या किया कि मोशन हमने लगाई इसको हम सेव करना चाहते हैं उसकी स्टार्ट और एंड डिफ़ाइन कर दिया कि कहाँ से शुरू है और ये कहां कहाँ एंड हो रही है फिर हम कलेक्ट क्लिप को ऑन किया ऑन करने के बाद जो है इसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके पास राइट right क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे एक्सपोर्ट पहला जो ऑप्शन है ये जितने भी ऑप्शन हैं आपकी फ़ाइल जो है लेट से मैं करता हूँ यहाँ पर तो ये मुझसे पैथ मांग रहा है कि आपने इस जो बॉडी के ऊपर मोशन लगी है उसको किस नाम से सेव करना है प्लेट से आप जो भी नाम देंगे आप सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके कार्टून एनमेटर की मोशन फाइल के तौर पे सेव हो जाएगी फिर आप इसको जिस करेक्टर के मर्जी है आप ड्रॉप एंड ड्रैग करके लेके आएंगे तो आप उस किसी करेक्टर के ऊपर भी जिसमें इस तरह की बोन्स होंगी आप लगा सकते हैं अगर ये बोन का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये मोशन अच्छे तरीके से अप्लाई वहाँ पर नहीं होगी कुछ हो जाएगा लेकिन वो सही काम नहीं करेगी तो ये एक्सपोर्ट जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये जो एक्सपोर्ट है ये बॉडी के ऊपर जो मूवमेंट लगी होती है सिर्फ उसको एक्सपोर्ट करता है फेस नहीं आता ये सिर्फ फेस मूवमेंट को करता है और ये परफॉर्म में सब कुछ आ जाता है परफॉर्म में आपकी फेस फेशल एक्सप्रेशन आपकी बॉडी की एक्सप्रेशन आपकी अगर साउंड वगैरह हैं डायलॉग्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगे एफ ई डी फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन इसमें जस्ट अगर कोई डिफॉर्म किया हुआ है औरिजिनल से हार्ट किया, तो किया है तो डिफॉर्म किया सिर्फ वो मोशन आएगी और यहाँ पर है एड टू एक्शन मेनू इसका ये मतलब है कि आप इस मोशन को इस करेक्टर के साथ जो है सेव करना चाहते हैं लेट्स से नेक्स्ट टाइम कोई और सीन बनाते हैं तो आप इस लेट्स से ये ट्रैफिक पुलिस वाला है ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक ही तरह की तकरीबन चौक में खड़े होकर एक ही तरह की हरकतें करनी होती हैं तो आप बजाय कहते हैं कि यार क्या मैं अपनी हार्ड ड्राइव पे सेव करूं और फिर उधर से ड्रे करके लेके आऊँ मैं चाहता हूं जब भी ये ट्रैफिक पुलिस वाला करेक्टर है जब भी ये हो तो इसकी बेसिक मोशन जो हैं इसके साथ सेव हो जाएँ इसके साथ ही सेव हो जाएँ और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और वो जो है मुझे नजर आ जाएँ तो ये जो है ए टू एक्शन मेनू वाला बटन है तो इसको नाम देते हैं कि एक्सप्लेन कर रहा है मैं इसको कोई नाम दे रहा हूँ एक्सप्लेन के ऊपर मैंने कर दिया ठीक है तो ये मोशन जो है अभी इस कैरेक्टर के इधर एक्शन मेनू में देखें ये एक्सप्लन के तौर पर सेव हो गई है लेट से मैं जो है अभी इसको राइट क्लिक करके सारी मोशनस इसके ऊपर डिलीट कर देता हूँ अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ ठीक है राइट right? इसके ऊपर कुछ भी नहीं है नथिंग तो अभी मैं चाहता हूँ कि बजाय इसकी कि मैंने एक्सपोर्ट की हुई थी हार्ड ड्राइव में जाने के मैं चाहता हूँ इसी करैक्टर के साथ सेव हो जाए इधर जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा तो इसके ऊपर ये मोशन लग जाएगी देखें ये लग चुकी है ठीक है तो ये एक तरीका है कि आप बनी बनाई मोशन को करैक्टर के बनी बनाई मोशन को एक्सपोर्ट भी कर, कर सकते हैं मुख्तिक ऑप्शन उसकी अगर बॉडी को एक्सपोर्ट करना है उसकी फेस को एक्सपोर्ट करना है आ, उसके और चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है वो हमने फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन देखी है आ, अगर सब कुछ एक्सपोर्ट करना है वो दिता एक्शन मेनू ये है कि ये जो है मोशन अभी इस करेक्टर के एक्शन मेनू में आ गई है ठीक है तो आप यहाँ से क्लिक करके एक्सप्ल करेंगे तो ये फ़ौरन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी जिस तरह आपने किया था उसी तरीके से जो है मोशन की फ़ाइल बन के हुई है आपको की फ़्रेम अलग अस नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज अभी ये मोशन फाइल बन चुकी है जिस तरह के बाकी मोशन फाइल्स होती हैं यहाँ पर हम, अवेलेबल होती हैं इसको आप अगर इधर इधर यहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं तो कस्टम में जा के एनिमेशन के ऊपर जाके यहाँ पर सेव का बटन दबाएँगे अल्लाट से मैं एनिमेशन में जाके परफॉर्म है ना ये तो इसको मैं यहाँ परफॉर्म के अंदर जा के ये देखें ये परफॉर्म है मतलब आप नया फोल्डर बना सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो ये परफॉर्म जो है मोशन कोई भी नाम दे दें तो ये सेव हो जाएगी वहाँ पे तो आप इसको कार्टून एनिमेटर के अंदर भी सेव कर सकते हैं इसको करेक्टर का हिस्सा भी बना सकते हैं इसको अपनी हार्ड ड्राइव पे कहीं किसी और बाहर किसी फोल्डर के साथ भी सेव कर सकते हैं तो कार्टून एनिमेटर वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं जब करेक्टर बनाते हैं तो एक्शन मेनू में भी आप डाल देते हैं या वो अलहद से डॉग है तो डॉग के साथ अलहद से मोशन भी आपको दे देते हैं ताकि आप वो बनी बनाई इमोशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने कस्टम एनिमेशन की फिर उसको हमने सेव करने के मुख्य मतलब तरीके देखे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो